गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। आज का टॉपिक है क्या है? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है उसकी हम बात करना है। दिस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन। स्केलेटन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन। इसका तात्पर्य हुआ कि जो कंकाल तंत्र है वो विभिन्न प्रकार की हड्डियों का मिला जुला रूप है। कंकाल तंत्र क्या है? विभिन्न प्रकार की हड्डियों का मिला जुला रूप है। अब कहते हैं देयर आर 213 बोन इन चिल्ड्रन। 213 हड्डियां किसमें होती हैं? बच्चों में होती हैं। एंड 206 बोन इन एडल्ट्स। 206 बोन कितनी? 206 हड्डियां किसमें होती हैं? वो आपकी वयस्क व्यक्ति में होती हैं। 206 हड्डियां वयस्क व्यक्ति में होती हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया है कि मानव शरीर में या वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है और बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 213 होती है। तो कह सकते हैं कि आप जो हड्डियों की संख्या है वो 213 बच्चों में है और 206 वयस्क व्यक्ति में। अब आगे बात करते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। हड्डियों की जो अध्ययन है वो आपकी ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। एक साइंस की ब्रांच है ऑस्टियोलॉजी, उसके अंतर्गत आपका हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान किसे कहते हैं? तो आपका आएगा ऑस्टियोलॉजी। अब बात करते हैं आगे कि स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइड टू पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्केलेटन सिस्टम को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा है एक्सियल बोन और दूसरा भाग है एपेंडिकुलर। स्केलेटन सिस्टम को समझने के लिए, इसे कोई ब्रॉड रूप है 206 बोन है, इसलिए इसको समझाने के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है हमारा एक्सियल बोन, दूसरा भाग है एपेंडिकुलर। पहला भाग है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर। एक्सियल बोन में जो संख्या होती है हड्डियों की वो आपकी 80 होती है। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि अक्षीय हड्डियां मानव शरीर में कितनी होती हैं? तो अक्षीय हड्डियां मानव शरीर में कितनी होती हैं? 80 होती हैं। और क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि मानव शरीर के एपेंडिकुलर अनुबंधी भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 होती है। अब बात करते हैं कि आपका एक्सियल बोन में किस किस पार्ट का अध्ययन करेंगे। एक्सियल बोन में आपका स्कल आता है, आपका रिब्स आता है, वर्टिब्रा कॉलम आता है। इसी तरह आपकी स्कल में क्या क्या है, स्कल के भी पार्ट है आपके, तीन भाग हैं आपका, बांट सकते हैं तीन या चार भागों में बांट सकते हैं। आपका क्रेनियम है, फेस है और आपका ईयर है और हेड बोन है। इस तरह हम आपके स्कल के भाग को बांट सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा